मैं बना रही हूँ ये बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल का वेज चाउमीन, जो देखकर के आपको बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होगा। ये बहुत ही माउथ वाटरिंग बना है, बहुत ही टेम्पटिंग बना है और बहुत डिलीशियस भी है। शुरू करते हैं हम रेसिपी। सो वेज नूडल और चाउमीन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा शिमला मिर्च और एक बड़ा प्याज लंबे साइज में कट कर लिया है, 2 चम्मच कटा हुआ लहसुन और गार्लिक, 1 ग्रीन चिली को स्लिट किया है और यहीं पर है 2 चम्मच अदरक और जिंजर कटा हुआ। नूडल के लिए यहाँ पर मैंने स्पेगेटी लिया है 300 ग्राम्स। आपके पास जो भी नूडल अवेलेबल है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। नूडल को बॉईल करना है तो ये मैंने 1 लीटर वाटर को बॉईल होने के लिए रख दिया था और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 स्पून सॉल्ट, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही पानी में बॉईल आता है इसके अंदर मैंने स्पैगेटी को तोड़ करके डाल दिया है। आप चाहें तो इसे पूरा भी बॉईल कर सकते हैं, बट बच्चों को खाने में इजी हो जाए इसलिए मैंने इसे तोड़ करके डाला है। इस स्टेज पर जब आप इसे बॉईल कर रहे होते हैं तो ये बहुत जल्दी एक दूसरे से स्टिक हो जाती है, इसलिए हम इसे फोक या स्पून के हेल्प से बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। जब इसे बॉईल कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है और हम इसे ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएंगे, यानी कि आधा ही पकाएंगे। हमें पूरी तरह से इसे बॉईल नहीं करना है, पूरी तरह से इसे पकाना नहीं है, क्योंकि इसकी कुकिंग प्रोसेस तब भी होगी जब हम इसे फ्राई करेंगे। तो आधा अभी पकाएंगे और आधा ये उस वक्त पक जाएगा जब इसे फ्राई कर रहे होंगे। और स्पेगेटी को कुक होने में यानी कि बॉईल होने में 5 मिनट लगता है। आप कोई दूसरा नूडल ले रहे हैं तो हर नूडल को बॉईल करने का जो प्रोसेस है वो तो सेम है, बट कुकिंग का जो टाइमिंग होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप इसे इस तरह से चेक कर सकते हैं, नूडल काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और ट्रांसपेरेंट होने लगा है, बट पूरी तरह से कुक नहीं हुआ है। अगर आप इसे दबाएंगे तो ये आसानी से अपने हाथों में दबने लगेगा। इस स्टेज पर मैंने गैस को बंद कर दिया है और जिसका पानी है इसे हम अभी हाल ड्रेन आउट कर देंगे। गरम गरम आप इसे पानी से अलग कर लें और इसे थोड़ा ठंडे पानी से हम वॉश कर लेंगे। ये आइस वाटर है, यानी कि बिल्कुल फ्रिज का पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसे एक दो बार वॉश करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं, बिल्कुल खिले खिले नूडल्स रहें। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल अलग है नूडल, एक दूसरे से चिपके हुए बिल्कुल भी नहीं है और इसमें बहुत अच्छा एक शाइनिंग आ गया है। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा पास से, तो आपको लगेगा कि इसमें काफ़ी शाइनिंग है नूडल में। और अगर आप चाहते हैं कि इस नूडल को आप बाद में यूज़ करें तो आप इसे एयरटाइट कंटेनर में डाल करके फ्रीज में स्टोर करके भी यूज़ कर सकते हैं। 1-2 दिन तक ये नूडल एज इट इज़ रहता है। एक पैन को मैंने गर्म किया, नॉनस्टिक पैन, और उसमें डाल दिया है 2 से 3 चम्मच तेल। जिसे तेल गर्म होता है इसके अंदर हम डालेंगे अदरक और लहसुन जो हमने काट करके रखा हुआ था। अब देख सकते हैं थोड़ा सा क्रिस्पी होने लगा है, गोल्डन होने लगा है। अभी हम इसमें डाल देंगे प्याज और शिमला मिर्च और कैप्सिकम जो हमने काट करके रखा हुआ था। कैप्सिकम आप यहाँ पे सारे कलर जो ग्रीन, येलो और ऑरेंज आती है वो डाल सकते हैं, बट मैंने ग्रीन मेरे पास अवेलेबल था सो वही यूज़ किया है। हाई फ्लेम पर हमें इसे कुक करना है 2 मिनट के लिए ताकि ये सोते हो जाए। ओवर कुक हम इन वेजिटेबल्स को भी नहीं करेंगे क्योंकि चंकी ही अच्छी लगती है, यानी कि आधी कच्ची होनी चाहिए। और 2 मिनट के बाद मैं इसमें स्लिट की हुई ग्रीन चिली को डाल दूंगी। ये जो ग्रीन चिली है ये थोड़ा सा स्पाइसी इसको टेस्ट दे देगी, ज़्यादा हमें स्पाइसी नहीं बनाना है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ग्रीन चिलीज यहाँ पर आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अनियन थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो गया है और जो हमारी कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, ये भी थोड़ी कुक हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे जो केचप और सॉसेस हैं वो हमें इसके अंदर डालना है, जो इसकी टेस्ट को बिल्कुल चेंज कर देंगे। तो यहाँ मैंने डाला है 2 स्पून टोमेटो सॉस, 2 स्पून चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस सॉरी। और इसी के साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चिली और गार्लिक की, ये राजस्थानी चटनी है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और चैनल पर भी जा करके चेक कर सकते हैं इसको। और इसी के अंदर जाता है 1 स्पून डार्क सोया सॉस। अगर लाइट सॉस है देन आप 2 से 3 स्पून ऐड कर सकते हैं। 1 स्पून डाला है मैंने वाइट विनेगर और यहाँ जाता है 1/4 स्पून
हमारा ब्लैक पेपर पाउडर। बस सारी चीज़ों को हमने अच्छे से टॉस कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, फ्लेम को हाई रखना है। आपको कुछ सेकंड के लिए ही इसे सोते करना है, टोस्ट करना है। और इसी के बाद में अब जाता है आपका नूडल जो हमने अभी बॉईल किया था। और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, टोस्ट करेंगे हाई फ्लेम पर। सो आप देख सकते हैं मैं टोस्ट कर रही हूँ यहाँ पर हमारा स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन और वेज नूडल, बिल्कुल वही स्टाइल है, वही टेस्ट है और बहुत डिलीशियस दिख भी रहा है। और हम इसे 2 मिनट के लिए टोस्ट कर लेंगे, अच्छे से हाई फ्लेम पर कुक करना है हमें। थोड़ा इजी हो जाए तो आप इसे फोक से या स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं, जिस तरह से मैं अभी कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट एज पर टेस्ट, और साथ में मैं यहाँ पर थोड़ा सा अजीनोमोटो डाल रही हूँ। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, जो मैंने हाफ स्पून ऐड किया है। हम इसे लास्ट मिक्स कर लेते हैं और ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत डेलिश बना है, खुशबू इसकी बिल्कुल वैसी आ रही है जैसा कि हम मार्केट में खाते हैं, स्ट्रीट्स में खाते हैं। अगर फ्रेंड्स पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर रेसिपी आपको पसंद आई है ना तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आने वाली मेरी सारी यम्मी और टेस्टी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ये इसको मैंने बंद कर दिया था और मैंने अपनी एक प्लेट के अंदर सर्व कर दिया है नूडल। आप भी बनाएं और एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।